वेलकम टू माय चैनल द एडवर्स। सो एज वी ऑल नो टुडे इज 2 फरवरी 2023 थर्सडे। सो जो 1 फरवरी को बजट आया था, ठीक है, तो उसके बारे में मतलब मैंने एक एनालिसिस वीडियो डाली थी, आप उसको चेकआउट करना, ठीक है ना, कि हाईलाइट पॉइंट्स जो थे उसको मैंने एक्सप्लेन किया था। और आज जो 2 फरवरी का द हिंदू है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बजट रिलेटेड जो इश्यूज़ होंगे, प्रोज कॉन्स होंगे, उसको जानने का हमें मौका मिलेगा बहुत ही अच्छे से, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द एनालिसिस, ठीक है ना। विल फोकस ऑन द ओनली रिलेवेंट पॉइंट्स, रिलेवेंट आर्टिकल्स विच आर बींग वी कैन से रिलेवेंट फॉर UPSC इटसेल्फ। सो दो पेज तो देखो ऐड ही आ गया, ठीक है, ये चौथा पेज ऐड आ गया। अब यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है ना, मेन हेडलाइंस, जो हेडलाइंस है आज टॉप आर्टिकल्स हैं, जैसे टैक्स ब्रैकेट्स करके, ठीक है ना। बजट ऑफ 2023 आई लुक एट वेरियस इनकम टैक्स सिनेरियोज फॉलोइंग द न्यू स्लैब। जो इनकम टैक्स में हमारे जो न्यू वी कैन से पॉलिसी टाइप में आई है, नई पॉलिसी आई है फॉर इनकम टैक्स विच इज़ बींग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट और वी कैन से एक्साइज ड्यूटी, उस पर जो नई पॉलिसी आई है बाय द गवर्नमेंट, ठीक है ना, कि इतने से इतने लेवल पे इतने टैक्स, इतना परसेंट टैक्स लगेगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे ऑन द पेज नंबर 2, ठीक है ना। एंड फॉर इकोनॉमिक सेक्शन विच इज़ बिंग GS3, उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट वी कैन से आर्टिकल है, दैट इज़ 1.33%, ठीक है ना, मनरेगा शेयर इन द फ्रीक्वेंशियल इन द फाइनेंशियल ईयर 2024 बजट शेयर ड्रॉप फ्रॉम 2.14% इन द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 23, ठीक है ना। और इधर है 1.98% हेल्थ शेयर्स इन फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2024, ओके। और रेलवे बजट भी हमारा कितना है, 5.36%, ठीक है ना। रेलवे में जो शेयर्स था वो कितना इंक्रीज हुआ, 3.88% इन द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2023। अब यहाँ पे पॉलिटिक्स क्या है, ठीक है, उसके हम देखते हैं हम लोग। फाइनेंस मिनिस्टर प्रॉमिस टैक्स रिलीफ, क्या प्रॉमिस किया है फाइनेंस मिनिस्टर आपको पता ही है, निर्मला सीतारामन है, उन्होंने प्रॉमिस किया टैक्स रिलीफ फॉर द सैलरीड मिडिल क्लास, ठीक है ना। जो सैलरीड मिडिल क्लास सेक्शन है हमारी सोसाइटी में, उसको टैक्स रिलीफ मिलेगा, ठीक है ना। स्कीम्स फॉर आर्टिशियंस एंड ट्राइबल ग्रुप्स, उनके लिए नई स्कीम्स आएगी। सो फॉर वुमेन्स एंड मीडियम स्केल वी कैन से एंटरप्राइजेस, ठीक है ना, और जॉब फॉर यूथ भी आएगा। इन एन एफर्ट टू सूथ सेवरल वोट बैंक्स बिफोर द 2024 लोकसभा इलेक्शन। तो जो इधर बजट में जो जो वी कैन से पॉलिसी लाई गई है बाय द गवर्नमेंट, इधर ये सर्टेनली रिलेट करता है किसके लिए, 2024 के जो इलेक्शन होने वाले हैं उसके लिए, ठीक है। हेयर बजट 2023 अपीलेंटली इज द की इज अपलेंटली इन एलोकेशन फॉर की स्कीम्स, ठीक है ना। नाउ हेयर ये जो आर्टिकल है इसमें क्या बताया गया, उसको देखें क्या। अब इन बजट के इनसाइड क्या है, देखो जो टैक्सेस है, जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया, टीवी हो गया, टू गेट चीपर, ये सब चीप होंगे, ठीक है ना, ट्वाइस बाईसाइकिल ऑटोमोबाइल्स टू गेट डियरर। नाउ इकोनॉमी ग्रीन एनर्जी गेट्स बिग पुश, ठीक है ना, विद 35,000 crores बींग ईयर मार्क्ड फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। मतलब 35,000 करोड़ से ज़्यादा जो गवर्नमेंट है इन्वेस्ट करने वाले ग्रीन एनर्जी पे, ठीक है ना, जो कि एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है बाय द गवर्नमेंट, ठीक है ना। नाउ इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है, रिवाइवल ऑफ 50 मोर एयरपोर्ट्स हेलीपोर्ट्स एंड वाटर ड्रोम्स प्रपोज। 50 से भी ज़्यादा जो एयरपोर्ट्स हैं, हेलीपोर्ट्स और वी कैन से वाटर ड्रोम्स है, ठीक है ना, वाटर कैचमेंट एरिया वाटर पोर्ट्स हैं, ठीक है ना, तो उनका रिवाइवल किया जाएगा बाय द गवर्नमेंट। सोशल सेक्टर पे गवर्नमेंट का वो है, देखते हैं। एम्बिशियस जल जीवन मिशन गेट्स 27% हाइक विद एन आई ऑन जनरल इलेक्शंस, ठीक है ना। जल जीवन जो मिशन है विच इज़ बीइंग रिलेटेड टू सोशल सेक्टर और, ठीक है ना, तो इस पर गवर्नमेंट फोकस की है। और इधर एडिटोरियल है, ग्रोथ डिक्लेरेशन प्रॉब्लम कैन नॉट बी ओवरलुक्ड एंड एमिड फोकस ऑन इन्वेस्टमेंट। तो एडिटोरियल है पेज नंबर 10, इसको हम फुल फ्लेजली डिस्कस्ड करेंगे, ठीक है, ओके। अब देखो नरेंद्र मोदी साहब ने क्या कहा, इधर देखते हैं। द फर्स्ट बजट ऑफ अमृत काल विल बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर बिल्डिंग अ डेवलप्ड इंडिया, ओके। इट गिव्स प्रायोरिटी टू द डिप्राइव्ड, ठीक है ना,
जो दबे हुए लोग हैं, जो डिप्राइव लोग हैं, उनको प्रायोरिटी रखा जाएगा। और ये पहला बजट है 2023 का, जो बजट है ये पहला बजट है फॉर द अमृतकाल, टूवर्ड्स द अमृतकाल वी कैन से, टूवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ द अमृतकाल। नाउ बजट शोज हाउ फार द गवर्नमेंट इज रिमूव्ड फ्रॉम द पीपल एंड देयर कंसर्न्स अबाउट लाइफ, लाइवलीहुड एंड ग्रोइंग इनइक्वालिटी, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर। बजट शोज हाउ फार गवर्नमेंट इज रिमूव्ड फ्रॉम द पीपल एंड द कंसर्न्स अबाउट लाइफ लाइवलीहुड एंड द ग्रोइंग इनइक्वालिटी। तो बजट के इधर प्रोज है, इधर कौन सा, ठीक है ना, हमको वो सब देखना है अच्छे से। अब इधर देखते हैं, इसको हम लोग को पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नाउ इधर विद द ग्लोबल इकोनॉमी एड्रिफ्ट, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन सॉट टू क्रेव आउट एनआरक फॉर इंडिया इन हर फिफ्थ यूनियन बजट बाई ट्राइंग टू नज डोमेस्टिक कंजम्पशन एंड रिलक्टेंट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अपवर्ड्स वाइल ऑल्सो सीकिंग टू क्रिएट अ फील गुड फैक्टर अमंग स्पेसिफिक सेगमेंट्स फॉर वोटर्स, ठीक है ना। एज गवर्नमेंट गियर्स अप फॉर 2024 लोकसभा इलेक्शन। नाउ सी समड अप, बीजेपी लेड गवर्नमेंट्स अचीवमेंट सिंस 2014। उसने क्या, जो बजट है उसमें क्या समड अप किया गया, जो बीजेपी द्वारा, जो बीजेपी गवर्नमेंट है जो कि लेड कर रही है, इसके द्वारा जो अचीवमेंट्स हैं सिंस 2014 उसको समड अप किया गया, ठीक है ना। एज ए लीविंग नो वन बिहाइंड, टेकिंग जस्ट 200 ऑड वर्ड्स टू आउट लाइन द डबलिंग ऑफ पर कैपिटा इनकम टू 1.97 लाख, द इंक्रीजिंग फॉर मैलिजेशन ऑफ द इकोनॉमी, the increasing formalization of the economy and the expansion of targeted benefits. Since then, used the rest of her budget speech to soothe sections of society that may have felt a tad left behind over its 9-year tenure, to assuage the salaried middle class deflated by a sustained streak of high inflation, the tax-free limit under the new exemptionless income tax regime was raised to 7 lakh from the 5 lakh. 5 lakh से बढ़ के 7 लाख पे हो गया है कि उसके जो अंदर के जो small salary, middle class salaried persons हैं उनके लिए जो relaxation हुआ, ठीक है ना, वो 5 लाख से बढ़ के 7 लाख पे हो गया है. The cap on non-government employees leave encashment at the time of retirement was raised to 25 lakh from 3 lakh, ठीक है। सो जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए जो encashment थी वो बढ़ के 3 लाख से बढ़ के 25 लाख हो गई है। नाउ टारगेटेड हेल्प, किसको इस बजट में हमको गवर्नमेंट टारगेटेड हेल्प करेगी, ठीक है। द फर्स्ट बजट ऑफ द अमृतकाल, द 25 ईयर पीरियड लीडिंग टू द Century of Indian Independence of 2047 aimed to build an existing inclusive development. किस पे एम कर रही है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। मैंने इसको अच्छे से इलेबरेट किया था अपनी बजट वीडियो वाली में, ठीक है, इसको प्लीज़ चेकआउट करना। नाउ एफर्ट्स दैट असाइन प्रायोरिटी फॉर द अनप्रिविलेज्ड, शी सेड, शी लॉन्च्ड न्यू सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्कीम सच एज द PM पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स डेवलपमेंट, ठीक है ना। एक मिनट, जो कुछ नई स्कीम्स लॉन्च की गई हैं, ठीक है ना, न्यू सोशल इकोनॉमिक स्कीम्स, ठीक है, सच एज PM पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स डेवलपमेंट, ठीक है, उसके बाद डेवलपमेंट मिशन एंड द PM विश्वकर्मा कौशल सम्मान टू सपोर्ट आर्टिशियंस फ्रॉम द वीकर सेक्शन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड द अदर बैकवर्ड क्लास, ठीक है ना। सम मेजर्स वर ऑल्सो अनाउंस टू एलिवेट द लॉट ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस दैट हैव फेस सक्सेसिव शॉक्स ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स फ्रॉम द डिमोनिटाइजेशन टू द पेंडेमिक इटसेल्फ। नाउ पोल प्लीजिंग फोकस, वाइल द मिनिस्टर एड्रेस्ड वेरियस सेक्शंस एस्पायरेशंस थ्रू हर लेस देन 90 एक मिनट
90 मिनट स्पीच, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने लेस दैन 90 मिनट स्पीच में जो हमारे प्रोस बताए, द ब्रॉडर अंडरलाइंग मैसेज वॉज एम्ड एट इंडियाज रेसिस्टिव यूथ एंड देयर होप्स ऑफ सिक्योरिंग अ जॉब, रिफरेंस टू अ जॉब क्रिएशन इन अ बजट स्पीच हिट अ 6-year हाई विद द मिनिस्टर फ्लैगिंग इट 7 times इन डिफरेंट कंटेक्स्ट कंपेयर टू जस्ट 2 mentions इन द 2022-2023 बजट। मतलब 7 से भी ज़्यादा बार, 6 से 7 बार वीकेंड से जो मिनिस्टर है उसने यूथ पे फोकस किया, ठीक है ना, एंड 3 references इन द ईयर बिफोर दैट, गिविंग एन इम्पीटियस टू ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन एंड क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज स्पेशली फॉर द यूथ शी सेड वॉज द की फोकस ऑफ द गवर्नमेंट। यूथ पे फोकस करना क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द गवर्नमेंट इटसेल्फ, ठीक है ना, गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक एजेंडा टू अचीव इट्स विजन फॉर द अमृतकाल, अमृतकाल जो कि गवर्नमेंट का इकोनॉमिक एजेंडा है उसको अचीव करने के लिए गवर्नमेंट को यूथ फोकस करना पड़ेगा, ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा। इट इज़ परहैप्स नो कोइंसिडेंस दैट द लास्ट टाइम जॉब क्रिएशन फिगर्ड हाई विद 6 mentions वॉज वेन द लेट अरुण जेटली प्रेजेंटेड द बजट फॉर 2018-2019, अनदर बजट प्रेजेंटेड इन द ईयर बिफोर अ जनरल इलेक्शन, ठीक है ना। नाउ तो पूरा बजट के ऊपर था कि अभी ये तक किधर पैसा लगा रही है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट पैसा लगा रही है, यूथ पे फोकस करेगी गवर्नमेंट, ठीक है ना, टू अचीव दिस विजन का अमृत, 0 tax फॉर एनुअल इनकम अप टू 7 lakh अंडर द न्यू स्कीम, ठीक है ना। अब जिनकी एनुअल इनकम 7 lakh तक है, ठीक है, उन पर 0 tax लगेगा, ठीक है ना, अंडर दिस न्यू बजट न्यू स्कीम। नाउ PMAY शेयर्स राइजेस बाय 66% विद मोर फोकस ऑन Tier 2 and Tier 3 सिटीज, ओके, प्रधानमंत्री आवास योजना विल फोकस ऑन वी कैन से Tier 2, Tier 3 सिटीज मोर, ठीक है, अडानी कॉल्स ऑफ 2000 crore, ओके, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट हेयर, गिविंग अ ह्यूज बूस्ट ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग, द यूनियन बजट प्रेजेंटेड ऑन वेडनेसडे इंक्रीज्ड द एलोकेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर आवास योजना बाय 66%, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ऑल्सो अनाउंस्ड एन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ठीक है ना, UIDF को भी अनाउंस किया फाइनेंस मिनिस्टर ने, विच विल बी यूज टू क्रिएट अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इन Tier 2, Tier 3 सिटीज, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ऑल्सो एलोकेटेड ओवर 80,000 crore दिस फिस्कल एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर, लास्ट ईयर कितना किया था, 48,000 crore। द स्कीम वॉज लॉन्च इन 2015 विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल हाउसिंग टू ऑल सिटीजन्स, इस स्कीम का लॉन्च की गई 2015 में, ठीक है ना, कौन सी प्राप्त, प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है ना। द स्कीम वॉज क्रिएटेड टू असिस्ट द मिडल इनकम कम्युनिटी, इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स एंड द लो इनकम ग्रुप्स, ठीक है। द क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम CLSS इज एम्ड टू प्रोवाइड इट्स बेनिफिशरीज विद एन इंटरेस्टिंग सब्सिडी टू टेक लोन्स और टेक लोन्स टू परचेज और वी कैन से बिल्ड अ हाउस। द मिनिस्टर सेड इन हर स्पीच दैट स्टेट्स एंड सिटीज will be encouraged to undertake the urban planning reforms and actions to transform cities into sustainable cities of tomorrow, okay, this means efficient use of land resource and adequate resource for urban infrastructure, transit orient development, enhanced availability and affordability of urban land, theek hai na, and opportunities for all, she said. Ms. Sitaraman said that the Urban Infrastructure Development Fund will be established through the use of the priority sector lending shortfall. This will be managed by the National Housing Bank, ठीक है ना, कौन इसको मैनेज करेगा फंड को, National Housing Bank, and will be used by public agencies to create the urban infrastructure in Tier 2 and Tier 3 cities. The center will also allocate 10,000 crore per year for the fund. सेंटर भी 10,000 crore देगा इस फंड के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो Tier 2, Tier 3 सिटीज़ उनके इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए, उनको एक सस्टेनेबल सिटी बनाने के लिए, कल के लिए, ठीक है ना, टुमारो सस्टेनेबल सिटी ऑफ द टुमारो बनाने के लिए ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। जैसे जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट वो इस बार वी कैन से 80,000 crore लगा रही, इन्वेस्ट कर रही है फॉर दिस स्कीम, ठीक है ना, और अंडर द अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड
उधर भी पैसा लगेगा, ठीक है ना। उसको मैनेज कौन कर रहा है? नेशनल हाउसिंग बैंक मैनेज करेगी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वी कैन से, ठीक है। तो दिस इज बीइंग रिलेटेड टू द इकोनॉमी सेक्शन, ठीक है ना। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, हेयर टैक्सेस, बजट 23, FM speaks, Finance Minister speaks. In the new tax regime, persons up to, with income up to 7 lakh will not have to pay any tax. ठीक है ना। तो 7 लाख से जिनकी 7 लाख से जिनकी इनकम है उनके लिए अच्छी खबर ये है कि उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। पहले ही जो लेवल रखा गया 7 लाख, ये पिछले साल 5 लाख था, ठीक है ना, 2 लाख बढ़ाया गया है, अच्छी बात है ये। नाउ टैक्स कंपेरिजन, अब देख सकते हो, अनटिल द इंडिया टैक्स रिवेन्यू एज अ परसेंटेज ऑफ इट्स GDP वॉज द लीस्ट अमंग द ब्रिक्स। ओके, अब इधर द फाइनेंस मिनिस्टर हैज एप्टली प्रायोरिटाइज्ड ग्रोथ, द बजट स्ट्रेंथन्स द स्ट्रेटेजिक फाउंडेशन फॉर आवर लॉन्ग टर्म ग्रोथ। टाटा सन्स के चेयरमैन है, ठीक है। मोबाइल फोन्स TVs टू गेट चीपर, ट्वाइस बाइसाइकिल ऑटोमोबाइल्स डीयरर्स, ठीक है ना। प्लान टू रिड्यूस द नंबर ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटीज रेट्स ऑन द गुड्स एंड अदर टेक्सटाइल्स एंड एग्रीकल्चर फ्राम 21 to 13, फाइनेंस मिनिस्टर। तो जो कैपिटल गुड्स होते हैं, ठीक है ना, जो गुड्स और वी कैन से अदर प्रोडक्ट्स होते हैं जिससे जस्ट टेक्सटाइल और एग्रीकल्चर, उस पर जो कस्टम ड्यूटी लगती है, ठीक है ना, इंपोर्ट ड्यूटी, उसको कम कर दिया जाएगा, उसके वजह सस्ते हो जाएंगे अल्टीमेटली, ठीक है। ओके, अभी जो टैक्स रेंज प्रपोज किया उसको देखते हैं, इनकम और टैक्स कितना लग रहा है उस पर। अगर 3 लाख तक इनकम है तो नील लगेगा, 3 लाख 6 लाख है तो 5% ऑफ इनकम इन एक्सेस ऑफ 3 लाख बिटवीन 6 से इतना INR 15,000 प्लस 10% ऑफ द अमाउंट बाय विच द इनकम एक्सीड्स INR अप टू 6,000। तो ये कुछ टैक्स रिजाइम है जो कि प्रपोज किया गया है, ये करंट में है, ठीक है ना, ये करंट टैक्स रिजाइम है, ठीक है ना, कंसेशनल रिजाइम, और ये प्रपोज्ड है। पहले जो 2.5 लाख था वो बढ़ के 3 लाख हो गया है। लुक एट वेरियस इनकम टैक्स सिनेरियोज, ओके, एग्जेम्पशंस ऑन हाई वैल्यू लाइफ इंश्योरेंस प्रोसीड्स प्रंज्ड, only income from the forum life insurance policies with an aggregated premium up to 5 lakh will be exempt from taxation. जो सिल्वर है हमारा वो महंगा होगा, चांदी महंगी होगी क्योंकि उस पर जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है वो 10% लगाई गई, ठीक है। ओके, नाउ इधर देख सकते हो आप, फॉर इन्वेस्टर्स टू रिक्लेम अनक्लेम्ड शेयर्स एंड अनपेड डिविडेंट फ्रॉम द IEPFA विद इज एन इंटीग्रेटेड IT पोर्टल विल बी एस्टेब्लिश, ठीक है ना। ओके यार, अब SBI के चेयरमैन ने क्या किया, द बजट इज ग्रोथ एक्रेटिव एंड फिजिकल प्रूडेंट, द मूव टूवर्ड्स अ क्लटर फ्री न्यू टैक्स रिजाइम विल सिग्निफिकेंटली स्पर कंजम्पशन, ठीक है, ये कह रहे हैं चेयरमैन ऑफ SBI। जो बजट है उसने प्रपोज किया अमेंडमेंट्स, क्या प्रपोज किया, टू चार्ज गिफ्ट IFSC, ठीक है ना। गिफ्ट फुल फॉर्म क्या है, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टैक्सिटी, और IFSC का मतलब है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, तो उसको चार्ज मिलेगा। पैन टू बी यूज्ड एज कॉमन आइडेंटिफायर फॉर डिजिटल सिस्टम, तो पैन जो है मूव विल बी हेल्प इन फर्दर प्रमोटिंग ईज टू डूइंग बिजनेस, जो पैन है पैन कार्ड है उसको एज अ कॉमन आइडेंटिफायर रखा जाएगा इन डिजिटल सिस्टम, ठीक है ना। लेट्स मूव फॉरवर्ड, अब इधर देखो, इन द लास्ट 9 ईयर्स द इंडियन इकोनॉमी हैज़ इंक्रीज्ड इन साइज एंड पर कैपिटा इनकम,
हैज मोर देन द डबल टू 1.7 लाख. कीपिंग इम्पोर्ट्स टू कीप सर्जिंग. टूरिज्म टू गो इनटू मिशन मोड. ठीक है, सही बात है. द यूनियन बजट ऑल्सो इंसेंटिवाइजेस डोमेस्टिक टूरिज्म फॉर द मिडिल क्लास. अप टू 50 टूरिज्म डेस्टिनेशन ऐप फॉर टूरिस्ट एंड रिटेल आउटलेट्स फॉर हैंडीक्राफ्ट टू बी डेवलप्ड. द बजट एलोकेट्स रिमेन्स एलोकेशन रिमेन्स स्टैटिक एट 2400 करोड़. इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स डिसअपॉइंटेड विद लैक ऑफ अनाउंसमेंट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस फॉर द सेक्टर. बजट ब्रेकअप, अभी बजट का ब्रेकअप है, देख लो. ये चार्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. एक मिनट, इंटरेस्ट देख लो. इधर डिफेंस में कितना गया है, 4 लाख वी कैन से. फूड सब्सिडी में इतना, ठीक है. ट्रांसफ़र टू स्टेट्स में इतना फंड गया है. एग्रीकल्चर एंड एलाइड सर्विसेज में इतना. पेंशन इतना. ट्रांसपोर्ट इतना. रूरल डेवलपमेंट इतना. ओके. कोऑपरेटिव मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स गेट शॉप्स. द पब्लिक केपेक्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पुश फोकस ऑन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज अराइजिंग फ्रॉम ग्रीन ग्रोथ इंटरवेंशंस विल और इंकरेज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स. ओके. KYC process to be simplified, DigiLocker to be one stop shop for updating details. Okay. Details update करने के लिए जो KYC process है उसको simplify किया गया है, और जो DigiLocker है एक one मतलब एक stop, simple stop होगा to update the details itself. ठीक है ना. और DigiLocker को इसलिए लिया जाएगा ताकि जो small startups हैं जो कि business related जो data है government share कर सके उनसे. सोशल सिक्योरिटी कट्स. एलोकेशन ऑफ 7000 करोड़ फॉर फेज 3 ऑफ द ई कोर्ट विल इम्प्रूव जस्टिस डिलीवरी सिस्टम. रिज्जू. ठीक है, तो 7000 करोड़ किसके लिए एलोकेट किया गया, फेज 3 ऑफ द ई कोर्ट. ठीक है, जो कि हेल्प करेगा जस्टिस की डिलीवरी में, जस्टिस देने में जल्दी. ठीक है ना. कैपिटल इन्वेस्टमेंट आउटले इज बीइंग इंक्रीज्ड स्टीपली फॉर द 3rd year इन अ रो. दिस विल बी 3 times द आउटले इन द 2019-2020. ओके. हियर वी कैन सी डिफेंस बजट राइजेस बाय 13%. ठीक है. कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ मशीनरी जंप्स टू 6.7% टू 1.62 लाख करोड़. एंड पेंशन सर्ज टू 33,719 करोड़. द नॉन सैलरी रेवेन्यू आउटले हैज़ राइजन बाय 44% टू 90,000 करोड़ इन द बजट एस्टिमेट्स ऑफ 2023-2024. ओके. अब रूरल पे कितने इन्वेस्टमेंट किया वो देखते हैं. इधर डिक्लाइन हुआ है. ठीक है ना. द शेयर ऑफ फंड्स एलोकेटेड हैज डिक्रीज्ड 1.3 इन फाइनेंशियल 2024 फ्रॉम 2.1% इन 2023. ओके. नाउ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेट्स गेट्स 8% लेस देन द प्रीवियस ईयर एट 12,500 करोड़. 8% कम मिलेगा पिछले साल के मुकाबले. कितना अमाउंट मिल रहा है स्पेस को, 12,500 करोड़. ठीक है ना. फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट. ठीक है. इकोनॉमी. ऑल सिटीज एंड टाउन्स विल बी इनेबल्ड फॉर 100% मैकेनिकल डिसल्जिंग ऑफ स्पेसिफिक टैंक्स एंड सीवर्स. ठीक है. टैंक्स एंड सीवर के लिए जो टाउन्स हैं वो इनेबल किए जाएंगे. मैकेनिकल यानी मशीनरी का यूज़ ज़्यादा किया जाएगा. ओके. मनरेगा फंड कट बाय 33% टू 60,000 करोड़. जो मनरेगा में जो फंडिंग जाती थी वो काटी गई है. कितनी परसेंट, 33%. ठीक है ना. वो कितनी है अब, 60,000 करोड़. ठीक है. एक्टिविस्ट एक्यूज द सेंटर एक्यूजेज द सेंटर ऑफ किलिंग द लॉ नथिंग दैट द एलोकेशन डज नॉट इवन
meet the minimum threshold should have been doubled from the current 60,000 crore merely to provide eligible households with 40 days of work instead of the legally guaranteed 100. Okay. Fund for minority schemes slashed by 38% from the last years. Hike in the Ministry of Ayush. Okay, allocation of Ayurveda Institute doubles. 19.6% का हाई देखने मिला फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष. ठीक है ना, आयुर्वेद योग एंड द नोट्रोपैथी सिद्ध एंड होम्योपैथी. सेंटर पिचेस फॉर 100% स्विच टू मैकेनाइज्ड सीवर क्लीनिंग. ठीक है ना, हेयर वी कैन सी 100% स्विचिंग हो रही है फॉर द मैकेनाइज्ड सीवर क्लीनिंग एंड मैकेनाइज्ड क्लीनिंग ऑफ सीवर्स बींग डन इन द मैसूर सिटी कॉर्पोरेशन. ठीक है, we will set up massive decentralized storage capacity. This will help farmers store their produce and realize remunerative prices and release remunerative prices. Major thrust planned for green energy. ठीक है ना, green energy पर government का बहुत ही ज़्यादा focus है. ठीक है, 35,000 crores has been earmarked for priority capital investment. Off-grid solar projects which constitute less than 5% of the solar power का 5% भी 5% से कम जो constitute करते हैं solar projects. ठीक है ना, उन पे government ने 35,000 crore रुपये लगाया है. टू गेट 30 rupees 360 crore कस्टम ड्यूटी वेव्ड ऑन कैपिटल गुड्स एंड मशीनरी फॉर लिथियम एंड बैटरी मैन्युफैक्चरिंग. ग्रीन एनर्जी इज अमंग द सप्तऋषिज दैट विल स्टीर इंडिया थ्रू अमृतकाल. ठीक है, सेज फाइनेंस मिनिस्टर. द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हैज रिसीव्ड अ बजटरी ऑफ वी कैन से 10,000 crores एट अ 45% इंक्रीज फ्रॉम 7,000. ओके, इसको पढ़ सकते हो आप लोग. कट इन एलोकेशन ऑफ फार्म्स स्कीम्स फूड सब्सिडी ड्रॉ फ्लैक्स. द बजट ऑल्सो वेव्ड कस्टम ड्यूटी ऑन कैपिटल गुड्स एंड मशीनरी फॉर लिथियम आयन बैटरी. लिथियम आयन बैटरी पे जो कस्टम ड्यूटी और मशीनरी लगती है वो उसको बढ़ाया गया है. ठीक है, द मूव इज एक्सपेक्टेड टू मेक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड स्टोरेज सिस्टम्स चीपर. ठीक है, चीपर बनाया जाएगा. द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हैज रिसीव्ड अ बजटरी एलोकेशन ऑफ 10,222 crores. ठीक है, और द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है उसको 19,000 crore मिला है. ठीक है ना, उसमें वही दिखाया गया कितना किसको पैसा मिला है. साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री एलोकेशन अप बाय 15%. साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो मिनिस्ट्री है उसको 16,361 crore रुपये दिया गया है जो कि 15% बढ़ा है. ठीक है, ओके. रेलवेज ने भी बढ़ाया, रेलवेज को 2.4 lakh crore मिला है फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. ठीक है ना, अंडर द सब्सिडी ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ अ व्यू ऑफ वंदे भारत कोचेज. ठीक है ना, बींग प्रोड्यूस्ड एट इंटरनल कोच फैक्ट्री इन चेन्नई, वंदे भारत. ठीक है, अश्विनी वैष्णव सेज द हाइयर आउटले विल बी यूज टू रैंप अप प्रोडक्शन ऑफ वंदे भारत ट्रेन्स विच. ओके, विच विल नाउ बी मैन्युफैक्चर्ड एट सोनीपत रायबरेली लतूर एंड अपार्ट फ्रॉम चेन्नई. चेन्नई के अलावा सोनीपत रायबरेली लतूर में अब वंदे भारत के जो कोचेज है वो बनेंगे. ठीक है ना, ही सेज ऑपरेटिंग रेडियो ऑफ द यूटिलिटी हैज एस्टेब्लिश्ड एट 98.22% अगेंस्ट द 107.39% 2021. ठीक है, 50+ एडिशनल एयरपोर्ट हेलीकॉप्टर्स टू बी डिवाइड. ओके,
व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी रिवाइव्ड अप टू ड्राइव ग्रीन इकोनॉमी, ठीक है ना। ऑटोमेकर से दैट पॉलिसी विल नॉट ओनली बूस्ट सेल्स बट ऑल्सो कट डाउन फॉसिल फ्यूल्स कंजम्पशन। नाउ जल ही जीवन है मिशन के अंडर ही, ठीक है ना। कितने वी कैन से 70,000 करोड़ एलोकेटेड टू सेंटर्स मार्क्यू मिशन दैट एम्स टू प्रोवाइड पाइप्ड वाटर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड बाय 2024। स्वच्छ भारत मिशन रूलर दैट सीक्स टू सस्टेन ओपन डिफेक्शन फ्री स्टेटस इन विलेजेस गेट 77,000 करोड़। अब जो सीनियर सिटीजन की जो स्कीम है उसको डबल कर दिया गया है टू 30 लाख, ठीक है ना। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ऑन वेडनेसडे प्रपोज्ड टू डबल द डिपॉजिट लिमिट फॉर द सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम टू 30 लाख एंड मंथली इनकम अकाउंट स्कीम टू 9 लाख, ठीक है। पुश टू अचीव नेट जीरो एमिशन, ठीक है। इंक्रीज इन कैपेक्स आउटले इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ द बजट दैट दिस विल हैव अ कैसेडेटिंग इफेक्ट इन द इकोनॉमी, ठीक है। हेल्थ आउटले रिमेन्स वीक, ओके। मोर फॉर हेल्थ लेस फॉर रिसर्च प्रोजेक्ट, ओके। 15,000 करोड़ टू स्पेंड फॉर डेवलपमेंट ऑफ ट्राइब्स की डेवलपमेंट के लिए फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है ना। 15,000 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। प्लान्स आर अफोर्ड टू प्रोवाइड हाउसिंग क्लीन ड्रिंकिंग वाटर रोड एंड टेलीकॉम कनेक्टिविटी इन द ट्राइबल हैबिटेशन, ओके। 38,800 टीचर्स सपोर्ट स्टाफ टू रिक्रूट फॉर स्कूल्स। नाउ अभी इधर एडिटोरियल है। ठीक है, तो ये एडिटोरियल डिस्कस करता हूँ, ये आप लोग खुद पढ़ोगे, आपको PDF मिल जाएगी इसकी, ठीक है ना। जो ना समझ में आए मुझसे पूछना, ठीक है। चलो, द इकोनॉमिक सर्वे दैट वॉज प्लेस्ड इन पार्लियामेंट बिफोर द प्रेजेंटेशन ऑफ 2023-2024 बजट हैज़ लेड एम्फेसिस ऑन द पॉइंट दैट इंडिया हैज़ स्टैग्ड अ रिमार्केबल broad based recovery to reach the level of income that existed before the outbreak of the novel coronavirus pandemic. There have been a series of shocks that began with the pandemic, followed by the war between the Russia and the Ukraine and accompanying sanctions that have been imposed by the West on Russia. ठीक है, the slowdown and the recession in the major parts of the world and the rise in the inflation leading to the sharp increase in the interest rate followed by the capital outflow and the pressure ऑन द एक्सचेंज रेट। ये कुछ कारण थे जिनकी वजह से इकोनॉमिक सर्वे का जो बजट है वीकेंड से वो हल्के दिक्कत हो रही थी बढ़ने में, ठीक है ना। ग्रोथ एंड फिजिकल डेफिसिट शेडो इवन दो द इकोनॉमी हैव स्टेज्ड अ रिकवरी एंड सरपास्ड द प्री पेंडेमिक इनकम लेवल, इट इज स्टिल 7% बिलो द प्री पेंडेमिक GDP ट्रेंड, ओके। ट्रेंड ग्रोथ हैज़ टू बी फ्यूल्ड by increasing public investment at the same time with inflation still beyond the upper tolerance limit and aggregate fiscal deficit center and state still in the range of 9-10% of the GDP ensuring macroeconomic stability requirements continued fiscal consolidation. Thus the government is faced with the dilemma of accelerating growth by increasing public investment while containing the fiscal deficit with the interest payments accounting for 40% of the net revenues of the center, there is hardly any room for complacency. ठीक है, keeping the fiscal deficit limited to 66.4% of the GDP in the current fiscal has come about despite of the sharp change, okay, by 2 lakh crores, okay. The budget estimated had assumed the nominal GDP for the 2022-2023 at the rupee 258 lakh crores, whereas the first advance estimates of the GDP released a few days ago estimated 273 lakh crores. In other words, despite the revenue deficit increasing in absolute terms from 9.9 lakh crore in the budget estimate to 11.1 lakh crore in the revised estimate as a percentage of
जीडीपी इट वाज फ्रॉम 3.8 to 4.1%, ठीक है ना। इन द केस ऑफ फिजिकल डेफिशिट द इंक्रीज वाज बाय 1 lakh crore फ्रॉम 16.6 lakh to 17.6 lakh, बट इट वाज कंटेन्ड 6.4% जीडीपी ड्यू टू इंक्रीज इन द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द जीडीपी एंड ऑल्सो इंक्रीज इन द टैक्स कलेक्शन। अ बैलेंसिंग एक्ट considering challenges of increasing infrastructure spending while continuing with the fiscal consolidation, it has been a fine balancing act on the part of the finance minister. She has continued the trend of making a greater allocation of infrastructure spending, and the capital expenditure is budgeted to increase from the two in absolute terms increase from 7.3 lakh crore to 10 lakh crore, ठीक है ना, विच इज़ ऑलमोस्ट 37% एंड कंसिडरिंग द कैपिटल एक्सपेंडिचर हैज अ सिग्निफिकेंट क्राउडिंग इफेक्ट, इट शुड हेल्प टू इंक्रीज प्राइवेट कैपिटल, ओके, प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर्स एज वेल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना, RBI हैज़ एस्टिमेटेड द मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर एट वी कैन से 1.2, and that should revise the sagging investment climate. Commercial lending by banks is already on the rise, okay, जो banks हैं जो कि commercial lending कर रही हैं वो भी rise पे ही है, ठीक है ना। और further the continuation of the interest free loan, ठीक है ना, interest free loan देगी government किसको, state को देगी, ठीक है ना, to augment the capital expenditure should help increase in the state's capital expenditure as well as the 6.4% growth rate of 2024 estimated in the economic survey, which has otherwise considered too optimistic, could indeed materialize with the budgeted increase in the infrastructure spending. Finance Minister in the 2022-2021 budget had stated that she would bring down the fiscal deficit to 4.1% by the 2025-2026. That means that is in the next 3 years the deficit will have to be reduced by 1.9% points. In keeping with this, fiscal deficit for 2023-2024 is slated to come down to 5.9%, ठीक है ना। However, it will make the adjustment in the 2 years ahead that much harder, ठीक है ना। तो निर्मला सीतारमन है फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने जो कि 2022 के बजट में कहा था जो फिजिकल डेफिसिट है वो कम, उसको कम कर देंगे नियरली 4.5%, ठीक है ना। तो यानी 3 साल में उसको अचीव करना है, लेकिन ये बहुत ही हार्डर है, ठीक है ना। नाउ although 9 states will have elections this year, इस साल नए स्टेट में इलेक्शंस होंगे, फ्रंट लोडिंग एंड एडजस्टमेंट वुड हैव ईज्ड दिस सिचुएशन नेक्स्ट ईयर व्हेन द कंट्री हैव द नेक्स्ट जनरल इलेक्शंस, पर हैव द फाइनेंस मिनिस्टर अज्यूम दैट प्रॉपरिंग ग्रोथ दिस ईयर थ्रू हायर कैपिटल एक्सपेंडिचर द फिजिकल एडजस्टमेंट विल बिकम ईजियर इन द नेक्स्ट 2 years, ओके। नाउ कंप्रेशन इन सब्सिडीज, फिजिकल एडजस्टमेंट इज प्रपोज टू बी अचीव्ड बाय मेनली कंटेनिंग रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो फिजिकल एडजस्टमेंट है वो हमको जो प्रपोज की गई है वो अचीव की जा सकती है बाय द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंटेन करते हो, ठीक है ना। विच विल इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द पब्लिक स्पेंडिंग इफ इट हैपन्स, द बजटेड इंक्रीज इन द रेवेन्यू ऑफ 2024 इज जस्ट 1.2% हायर देन द रिवाइज एस्टिमेट फॉर द करेंट ईयर। देयर इज अ सिग्निफिकेंट कंप्रेशन इन द सब्सिडीज, द फर्टिलाइजर सब्सिडीज एक्सपेक्टेड टू बी रिड्यूस्ड बाय 90,000 crore फ्रॉम 2.87 lakh crore टू 1.87 lakh, ओके। नाउ द पॉलिसी ऑफ दिस इफेक्ट हैज़ ऑलरेडी बीन मेड इन December 2022 व्हेन द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है, PMGKY, अंडर विच 5 kg ऑफ फूड वर गिवन फ्रॉम April 2020 इन एडिशन टू द फूड ग्रेन्स गिवन अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट हैज़ बीन डिसकंटिन्यूड। सिमिलरली द फर्टिलाइजर सब्सिडी इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्रेस्ड बाई 50,000 मेनली एज अ फर्टिलाइजर प्राइसेज हैज़ कम डाउन। इन एडिशन एलोकेशन टू सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स इज एक्सपेक्टेड टू कम डाउन मार्जिनली बाय अबाउट 20,000 crore एंड ओवरऑल करेंट ट्रांसफर टू स्टेट इज kept constant at 3.3%, okay. On the tax side, there is some tinkering, okay, on the custom duty and overall protectionist stance.
ऑन द होल दिस इज अ वेल क्राफ्टेड बजट बट इट्स सक्सेस विल डिपेंड ऑन इट्स इम्प्लीमेंटेशन। सो अल्टीमेटली जो एडिटर इधर ये कहना चाहते हैं, जो बजट हमारा निकला है ठीक है ना, जिसकी मैंने एनालिसिस की आपको देखना ही पड़ेगा ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा बजट है ठीक है ना, एज ए सेक्शन ऑफ सोसाइटी फोकस कर रहा है ठीक है ना, तो ये बहुत ही अच्छा बजट है अगर इसको सही से इम्प्लीमेंट किया जाता है। ओके और इधर पूरा डाटा दिया गया है। ओके नाउ लेट्स मूव फर्दर, हियर इज ओपिनियन, द सोशल सेक्टर हैज़ बीन शॉर्ट चेंज्ड वंस अगेन। ओके नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, ओके गाइस, सो अ बजट विदाउट अ विजन फॉर एग्रीकल्चर, ऐसा तो है नहीं, अब एग्रीकल्चर विजन दिया गया है इसमें, अ सोशल सेक्टर हैज़ बीन शॉर्ट चेंज्ड वंस अगेन, अ फार्मर स्प्रेड फर्टिलाइजर इन अ फील्ड एट अ विलेज, अ बैलेंस बिटवीन कैपिटल आउटलेज एंड फिजिकल प्रूडेंस, व्हाट इज द गवर्नमेंट्स न्यू पॉलिसी ऑफ द यूपीआई ऐप, ओके हाउ एडगर एलन, ओके एंटी पुअर ऑप्शनिस्टिक पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स, पब्लिश अंडरटेकिंग ऑन द प्राइवेसी पॉलिसी इन द पेपर, एस सी टू व्हाट्सएप, कोर्ट एग्रीज विद व्हाट्सएप सबमिशन दैट इट वुड अबाइड बाय एन अंडरटेकिंग गिवन इन अ लेटर टू द गवर्नमेंट बाय द मे 2020, प्रोटेक्शन अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट नॉट अवेलेबल टू मेल मेंबर्स सेज दिल्ली। जो प्रोटेक्शन है अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ठीक है ना, वो मेल मेंबर्स के लिए अवेलेबल ही नहीं है ठीक है ना, ये कौन कह रहा है, दिल्ली हाई कोर्ट कह रहा है, तो सही बात है यार। ओके बजट विल ले स्ट्रॉन्ग बेस टू बिल्ड अ डेवलपमेंट डेवलप्ड इंडिया, द फर्स्ट बजट ऑफ अमृत काल विल फुलफिल द ड्रीम्स ऑफ पुअर मिडिल क्लास फैमिलीज, मोदी से 10 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रा अंडरलाइंस गवर्नमेंट एफर्ट्स टू एनहांस द लाइव्स ऑफ वुमेन, फाइनेंस मिनिस्टर प्रपोजेज अमेंडमेंट्स टू बैंकिंग लॉज ठीक है ना, चेंजेस प्रपोज्ड इन बजट टू बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट द बैंकिंग कंपनीज एक्ट एंड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू इम्प्रूव बैंक गवर्नेंस एंड इनहेंस द इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन, जो इन्वेस्टर्स इंडिया यूएस टू स्टेप अप स्ट्रेटेजिक, ओके इसको आप देख सकते हैं यार, अभी मेरे को हल्का ये कुछ काम है ठीक है ना, तो अभी मैं इसको अभी यहीं पर एंड करना चाहूँगा, इसकी पीडीएफ आपको दे दूंगा, कोई भी डाउट है पूछ सकते हो आप लोग, और बजट का मैंने पूरा वीडियो एक्सप्लेन किया है उस पर आप लोग इसको आप लोग चेक कर आउट कर सकते हो ठीक है। टिल देन बाय बाय यार, लव यू ऑल गाइस, थैंक यू फॉर बीइंग हियर, और 3 फरवरी का भी एनालिसिस आएगा उसको अच्छे से देखिएगा ठीक है ना, और जो एक दो एडिटोरियल है मैं उसमें डिस्कस करने की कोशिश करूँगा अच्छे से ठीक है। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल गाइस, और हाँ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो, टिल देन बाय बाय, कीप ग्राइंडिंग BNIS, ओके बाय बाय।